अस्सलाम वालेकुम, स्टोरी लाइन 360 या मश में होस्ट मोमल जैनब। मरुची की किमें सेगमेंट टॉपिक है ऐसे परवेज़ मुशर्रफ और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बीवी या पाकिस्तान बीवी मगेंदी के परवेज़ मुशर्रफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ है बीरान गुआ पद दो नमूने मरद अमल गेंदी पूरे पाकिस्तान और अगर ट्विटर गप बिकनी गुड़ आउद भी एक जोताई जंग जो इससे चला गई। अगर मैं बिगेंदी के परवेज़ मुशर्रफ यकनी मगा जो हामी आ गोशा के आई है पूरे एजाजी वड़िया आई है कलो कसारत करेंगे बीबी दूमी निमगा मैं गेंदी के मर्दों गोशा के आमा के आइए सज़ा रस्ता होता सज़ाए मौत और सज़ाए मौत है बस सैर उच के आइए जो लाश या डी चौका लटकाए नक बीबी अंची मरदम जिससे गप करेंगे कि ए भी सज़ा आइए पूरा कनक बीबी ताकि आओ के मरदम देगी कोई आयन शिकनी मखनन थे पर चके अगर आयन शिकनी है सज़ा मरदमा न रसी कूड़ा देम तेरा भी मरदमा न ये चीज़ें सरा हौसला अफजाई रसी और देम तेरा भी आयन शिकनी है वाक़ियात जैसे पेश आयन ब्या ये वह हमारा जॉइन कोता जैसे अमानुल्ला कंडरानी साहब एडवोकेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सादगी सदरी भी आई हूँ मैं गपो हाल करनी और जुस करनी कि एक परवेज़ मुशर्रफ और बलूचिस्तान एक रिलेशनशिप आ छू गिंदी और जो फैसला परवेज़ मुशर्रफ कोतगा बुतगा के आ ये तासुर तनी गता जस्ती बलूचिस्तान जस्ती जाहिर ब्या। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने के लिए। अमानुल्लाह साहब आप कैसे देखते कि जो परवेज़ मुशर्रफ के जो जितने भी उनके फैसले थे उनके असरात क्या आप देखते कि अभी भी बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम मैं वकील का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अहम मौके पर मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके देखने वालों को और कौम को बता सकूँ। गुजारिश ये है कि एक बंदा फौत हो गया फितरी मौत मरा है तो हम तो उस पर पहले तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं बतौर एक मुसलमान के जी। मगर जिस तरह हम हलाकू खान वो भी मुसलमान थे और चंगेज खान ये भी तो जिस तरह बाकी जालिम थे उनके नाम हम लेते हैं और उनके किरदार पर बात करते हैं तो उस वक्त के दौर के हिसाब से तो हमें ये बात कर रहे हैं किसी के जात के खिलाफ नहीं कर रहे क्योंकि मरा हुआ शख्स है। हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि किसी को सफाई का मौका न मिले। इस वजह के साथ बयान करूंगा मुशर्रफ का जो सबसे पहला बड़ा इकदाम है 12 अक्टूबर 1999 का जिसने एक सिविल हुकूमत का तख्ता उल्टा और तमाम काबीना को बरतरफ किया खुद से आकर जो है अपने आप को सदर कहलाया ये इकदाम सबर सारे इकदाम का जड़ है बुराइयों का जड़ है। अगर इस पर मुजाहमत होता जिस तरह तुर्की में हुआ जुलाई 2020 में तो ये जो है इसके बाद इस तरह के वाकया जो है नहीं हो सकते थे तो आज सॉरी 2016 में तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जुर्म सियासतदानों ने किया जिन्होंने मुशर्रफ के दौर को एक्सेप्ट किया वाहिद नवाब अकबर खान भुट्टी थे जिन्होंने कहा था हम सब सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे और हमें भेजा तमाम सियासी पार्टियों की तरफ एक कमेटी की शक्ल में हम मुशर्रफ को रिजेक्ट करें उनके ना बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लें ना जनरल इलेक्शन में हिस्सा लें। बदकिस्मती से हमारे पार्लियामेंट ने भी उनको लिस्टमेसी दी हमारी अदालतों ने भी उनको लिस्टमेसी दी और उसके नतीजे में फिर क्या हुआ आपने देखा बलूचिस्तान में उन्होंने एक आग लगाई उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन नवाज अकबर मोती को शहीद किया। मैं समझता हूँ उसका दुश्मन नवाज शरीफ नहीं था नवाज शरीफ ने तो उसको फैसिलिटेट किया अगर वो इलेक्शन में हिस्सा न लेते अगर ये लोग उसको रिजेक्ट करते अगर सड़कों पर आकर टैंकों के सामने नहीं लेटते कम से कम मुफादात के लिए उनके सामने हलफ ना उठाते प्या पट्टी बांधकर तो ये जुल्म नहीं कर सकता था न वो लाल मस्जिद को शहीद कर सकता था न हजारों लोगों को कत्ल कर सकता था न सैकड़ों लोगों को अमेरिका और अफगानिस्तान के हवाले कर सकता था हमारे शहरियों को जिसमें आफिया सिद्दीकी साहब शामिल है। तो कंडरानी साहब ऐसे कंडरानी साहब ये कहना तो गलत होगा जी कंडरानी साहब तो ये कहना क्या सही है कि वो कहते हैं कि अकबर भुट्टी साहब ने कभी पार्लियामेंट को नहीं माना उन्होंने जो है आइन को तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया तो सबसे पहले तो जो एंटी पाकिस्तान या एंटी रियासत काम तो ये था कि एक जर्नल जो है वो सियासत में हिस्सा ले तो उस उन तो इन अकबर भुट्टी साहब को कैसे ये लोग जो है आइन दुश्मन कह रहे हैं या पार्लियामेंट दुश्मन कह रहे हैं जबकि आइन के हिसाब से तो सिर्फ वो ही खड़े रहे कि उन्होंने एक जर्नल को इसमें जमहूरी निज़ाम को तोड़ने में जो है उन्होंने मना कर दिया।
मैं समझता हूँ आपने अपनी तरफ से तबसरे किए, वरना तारीख ऐसे नहीं बताती है जी। अगर आपको तारीख याद हो तो बलूचिस्तान से दो एडवाइजर मुकर हुए थे एजीजी के, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, तो अमीरुद्दीन के थे एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। उसके साथ जो है नवाब अकबर बुख्ती एडवाइजर थे कायद आजम साहब के दौर में, 1947-48 में नवाब अकबर बुख्ती एडवाइजर थे बलूचिस्तान में, दो ही मेंबर थे काबीना के, तो नवाब बुख्ती उसके मेंबर थे। कायद आजम जब बलूचिस्तान आए पहली दफा उसको रिसीव करने वाले नवाब अकबर बुख्ती थे, और इसके बाद नवाब अकबर बुख्ती बलूचिस्तान के गवर्नर रहे, एमएनए रहे, एमएलए रहे, वजीर आला रहे, तो कैसे गद्दार थे? उन्होंने आइन के तहत अलग उठाए हुए थे, किसी के कहने से कोई गद्दार तो नहीं होता है, गद्दार तो वो है जिन्होंने आइन को तोड़ा है। तो मेरा सवाल भी तो यही था ना कि वो तो आईन को मान रहे थे, और आईन हमारा यही कहता है कि हर रियासत की जो उसमें जितने इदारे, हर कोई अपने हद में रहकर अपना जो है किरदार अदा करता है। तो मेरा सवाल ही आपसे यही था, तो अकबर बुख्ती साहब तो उसी आईन पे चल रहे थे, तो ऐसी क्या सूरत हाल आ गई कि उनको पहाड़ों पर जाना पड़ा? मैं यही अर्ज करता हूँ कि उनका सवाल ये है कि वो उनके वजूद को नहीं मानते थे, नंबर वन। दूसरी बात है वो बलूचिस्तान के हकूक की बात करते थे, साहल वसाइल की बात करते थे, लोगों के शनाख्त की, बलोच लोगों के शनाख्त के तहफ़ की बात करते थे, क्योंकि नवाब बुख्ती के बाद जो हशर बलूचिस्तान का हुआ है, अब वो बलूचिस्तान में कोई सियासी हुकूमत नहीं है, मेजरों कर्नलों की हुकूमत है, मैं जनरल की भी बात भी नहीं कर रहा हूँ। अभी जो है हमारे लोग पहले मेजरों और कर्नलों को सलाम करते हैं, इसके बाद उनको टिकट मिलता है, इसके बाद उनको अहदे मिलते हैं, इसके बाद वजारत आला मिलती है, इसके बाद गवर्नरशिप मिलता है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमान अल्लाह कंडरानी साहब में गुमा गपुतरान करें गब बताइए गोशे गमिशे के सरदार अकबर बुख्ती साहब के जो इस ये वजूद ही मन लगा ची मकन गोता उता के मे सबबा के आइए जो गब बुतगा साइल और वसाइल रखी रह गए गप बुतगा परवेज़ मुशर्रफ़ शि बलूचिस्तान सरा जो आइए अमित चो भी बुतगा फैसला आयनी रद्द अमल और आयनी जो असरात ची वाकई अनु तक आइए असरात यस्ता धूमी के आयन शकनी जो के आर्टिकल शशे आइए जो आइए सज़ा रस्ता होता है एक डिबेट ही चल गई मैं कहती ट्विटर भी या मिचो भी बीबिया प्लेटफॉर्म्स अवदा अमी जैसे एक डिबेट ही बह गई कि जो आइन शिकनी है आइए हौसला अफजाई कनक मभी थी धूमी निमगा मगेंदी कि अमी गप कनक भी के एक मर्दों जबकि वफात होता ये सर शी कोई गप कनक मभी या जो इससे अंशु के मैं कहती कि ज़ियाउल हक साहब सर भी हमें जो होता फैसला आता होता भले आई एक हादसे तो का आई बीरान होता आई सर भी जो इससे आर्टिकल शश सरा जैसे आइए फैसला सर जैसे अमल दरामद करने के लूट कनक होता इधर जरूरी गुंडी ब्रेक ही पता ब्रेक का चप्पा माँ जो इससे ज्वाइन करनी और मैं मुख्तलिफ गेस्ट बहनती आयन गुमा जैसी गपुतरान करनी और आयन ही नुकते नजर चारी कि जो परवेज़ मुशर्रफ है मिचो फैसला बुतगा बलोचिस्तान सर आइए छी असरात होता है। वशित करें एक रंदी पदा हमारा जो इससे स्टोरी लाइन 360 है ज्वाइन कोता नवाबजादा जमील बुख्ती साहब जो कि एक बलोच राशू ने और सरदार अकबर बुख्ती साहब जैसे साहबजादे आइए मैं वशित करें मैं प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम नवाबजादा साहब। वालेकुम सलाम बुख्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर जैसे कि हम देखते कि परवेज़ मुशर्रफ और बलूचिस्तान की जो एक हिस्ट्री है उस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि वो आप क्या समझते कि जितने भी उनके फैसले थे क्या उनके जो असरात अभी तक बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जी, वो आप इस टाइम तो जिस जो माइंडसेट के साथ उसने मेरे वालिद को और हजारों बलोचों को शहीद किया था वो उसके सब कुछ उसके बरक्स हो गया, और मैं तो कह रहा था कि अल्लाह उसको और भी ज़्यादा लंबी उम्र देता ताकि वो दुबई में पड़ा रहता और देखता बलूचिस्तान के जो जद्दोजहद है आज़ादी की वो कहाँ से कहाँ जा रही है। जी बुख्ती साहब जी, अगर उनके पुराने इंटरव्यूज देखें तो वो कहते हैं कि ये सारा एक कुक्ड अप प्रोपेगेंडा है, जो मेरे जितने भी ऑपरेशन थे वो जस्टिफाइड थे, उनका ये कहना था अगर उनके पुराने इंटरव्यूज देखें। वो तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ था वो भी जस्टिफाई करते हैं उसको कि वो भी जस्टिफाइड था,
मेजोरिटी की जो डिजायर था उसको नहीं माना उन्होंने, तो वो उसके बाद जो उन्होंने किया वहां पर उसको क्या क्या जस्टिफिकेशन दिया उन्होंने, जब बंगालियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई, तो उनके लिए तो ये भी उसी माइंडसेट के हैं। तो इनको तो जब जिसके हाथ में ताकत होती है वो तो हर एक कहते हैं जो वो कहता है वो सही है, बाकी सारे दुनिया विश्वास करती है, तो उसके कहने से और डिनायल से तो हकीकत नहीं छुप सकती है। सारी दुनिया देख रही है, सारी बलोच कौम देख रही है कि उसने जो कुछ किया तो उसने बुनियाद रखी जी। और उसको बलोचों के खून से उसने उसको परवरिश की उसकी, तो वो अभी भी तकरीबन जवान हो रही है जी। जी बुक्टी साहब, अगर हम देखें कि 17 मार्च को जो डेरा बुक्टी पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ या जो रवैया अपनाया गया था डेरा बुक्टी या बलूचिस्तान की जानेब, अगर उस तरह का रवैया ना होता और जिस तरह से अदलिया अब इतनी एक्टिव है, तौहीन अदालत पे केसेस पे जो है फैसला आ जाता है, तौहीन आइन पर भी जो है केसेस के फैसले आ जाते हैं, अगर उस टाइम भी अदलिया इतनी एक्टिव होती तो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नहीं, अदलिया तो अभी भी वही की वही है अभी, लेकिन आप फिर भी हम देखते हैं कि अगर आइन की कोई खिलाफ वर्जी करे तो कोई सियासतदान खास तौर पर तो आइन की खिलाफ वर्जी की आर्टिकल 6 के तहत उसको सजाए मौत भी दी, वो उनके नाक के नीचे से उसको निकाला गया, ले गया। उसके बाद बलोचिस्तान हाईकोर्ट में जो मैंने केस किया हुआ था परवेज मुशर्रफ के ऊपर, उसमें क्या हुआ, अदालत ने न मेरा एक स्टेटमेंट तक बयान नहीं लिया, उस टाइम काजी फैजी साहब चीफ जस्टिस थे, उसके बाद मंदोखेल साहब बने, उन्होंने मंदोखेल जब चीज़ें उसने तो एक्विटी कर दिया केस ही जी। बगैर केस उतराया, तो अदलिया तो सिलेक्टिव, जहां उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता कि यहां पर सोम और लोटस हो। मैंने चीफ जस्टिस जो थे जो डैम के पैसे जिसने बड़े बनाए थे, कहा गया था क्या नाम है निस्पंदिंग निसार जी। उसको भी मैंने एक ओपन लेटर लिखा था कि आप तो अपने अदलिया का कहते कि हम भी इंडिपेंडेंट हैं, जुडिशरी जो है ये है वो है, तो आप मेरे वालिद का सो मोटो केस क्यों नहीं लेते हैं, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया मुझे। और क्वेटा के रजिस्ट्री के दफ्तर में मैंने जब जमा कराया और रजिस्टर्ड लेटर भेजा, दे रिफ्यूज टू टेक इट, उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया। तो ये हमारे तो आप ये जुडिशरी कोई हमारी ना बदली हुई है, वही की वही है, ये जहाँ इनको इस्तेमाल करना था वहाँ कर लेते हैं जी। तो बुक्टी साहब, आप नहीं समझते कि यहाँ पे सियासतदानों के गले तक जो है वो पहुँच जाते हैं और जर्नल और कर्नलों तक फैसले नहीं पहुँचते? नहीं देखे, वो तो सेक्रेट काउज है ना, उनको तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो तो जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो उलमा हैं, ये सब जहाँ इस्तेमाल होते हैं सब कुछ इस्तेमाल होते हैं अपने अनाज के लिए, कुछ इस्तेमाल होते हैं अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। जब तक ये होता चला जाएगा तो आपको ना जुडिशरी कभी आजाद करेगी ना पॉलिटिशियन आपको मिलेंगे जो खड़े हो जाए जो राइट है उसके लिए। अभी देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम हुकूमत में नहीं है, सब हुकूमत में है, हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो हर एक मिसिंग पर्सन और जो लाशें फेंकी जा रही है उसके बारे में जब उनको बोझा, वो कहते हम बेबस हैं, हम अख्तियार लोगों से पूछ कर बताएंगे, जब आपके पास अख्तियार नहीं है तो आप क्यों बैठे हैं, आप घर जाएं चुप करके बैठ जाएं। ये बुक्टी साहब, अभी तो हम देखते हैं कि एक रेकोडेक का मुआयदा भी बंद कमरों में हो गया है और जो इन सेशन कैमरा जो इन कैमरा सेशंस हुए हैं उसके हवाले से भी प्रॉपर जो है कोई लेजिस्लेशन नहीं की गई है, और जितना के टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है वो भी आप नहीं समझते कि बलूचिस्तान सूबे के साथ एक जुल्म है?
बलूचिस्तान सूबे के साथ तो 1948 से जुल्म हो रहा है, बीबी कोई नई बात तो नहीं है। पूरा बलूचिस्तान कब्जा किया हुआ है, जो उन्होंने रिकॉर्डेड भी उसी बलूचिस्तान का एक हिस्सा है, तो द होल ऑफ बलूचिस्तान इज ऑक्यूपाइड बाय दैट। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। जैसे मेगमा अकल बुगटी साहब साहबजादा जमील बुगटी साहब मेगमा गपुतरान का नगवता आई शुमा गपुतरान दिलगोश को तंती आई उसी के पाकिस्तान तो का जो के मैं सूबाई सूबे जो वसाइल आनी सर कब्जा हो गए और जो नेशनल जो के कौमी पार्टीज़ हैं नेशनल पार्टीज़ हैं ये भी जैसे कोई खातिर ख्वा इकदाम नजूर है कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट भी थे बलूचिस्तान जो है वसाइलानी इख्तियारात जो कि उनकी सियासतदान आए नहीं कि इख्तियारात बास कम और बास लिमिटेड है। एकदम कोशिश करें कि मैं जैसे गपुतरान बीबी हाजी नवाब ज़ादा लश्करी रईसानी साहब हुआ कि आइए मौक़िफ़ बुजुर्ग के आज बलोचिस्तान तो कही अनुकी जो जावर हाल जी मारा ज्वाइन को था हाजी नवाब ज़ादा लश्करी रईसानी साहब आइए वशत करनी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं हाजी साहब, जो हमारा आज का टॉपिक है वो परवेज़ मुशर्रफ और बलूचिस्तान पर है, तो आप ख़ुद बतौर एक सियासतदान एक जो है रहनुमा, आप समझते हैं कि ऐसे कई फैसले हुए हैं जिसके असरात आज तक जो है वो बलूचिस्तान में नज़र आ रहे हैं? देखिए बात यह कि परवेज मुशर्रफ हो या डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल्लाह हो या उससे पहले के डिक्टेटर याया और अयूब हो, इनके पॉलिसियों ने आज इस मुल्क को इंतशार में डाला है। यहाँ कौमियतें आपस में नफरत करते एक दूसरे से, इनके पॉलिसी ने यहाँ मजहबी मुनाफरत फैलाई है, ये बाय डिज़ाइन है। तो परवेज मुशर्रफ का कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि जिसको हम बेहतर कह सकें, का सर्टिफाइड एक कौमी मुजरिम था जिसके पॉलिसीज जाती थे साम्राज्य के मुफादात के लिए थे, उस पॉलिसीज को उसने। हाजी साहब आपको हमारी आवाज आ रही है, हम कोशिश करें कि दोबारा हाजी साहब गुमा जैसे मैं कनेक्ट भी भाई हाजी साहब भी उतनी मौक़िफ़ आवेदन थी कि चूँकि बलूचिस्तान में सूरत आल यस्ती वाहदा में जो परेशानी अमी जो जीड़ा अस्ता या जो कि एक इंसर्जेंसी है भी एक जैसे तासुरे और एक असरे अस्ते आइए भी अंचू गोशक भी के इधर अमा जो ऑपरेशन बुतगा जो क्या बलूचिस्तान हक का न बुतगा बल्कि बलूचिस्तान वरनाहाना जो इसते गलत राह सरा रवगे सरा अमी चीज़ाना ही जो इसते फोर्स को था। मारा दोबारा हाजी साहब ज्वाइन को था वशत करें हाजी साहब। जी हाजी साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ये जो मुल्क में इंतजामी माशी सियासी अफरा तफरी है ये परवेज मुशर्रफ और उस जैसे जो इस मुल्क में डिक्टेटर रहे या उनका पसमानदगा जो आज उसके पॉलिसीज के तसलसल है इसके वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ जो एक आर्टिकल 6 का सर्टिफाइड एक मुजरिम था जिसको पाकिस्तानी रियासत के ताकतवर इदारों ने बचा के दुबई में ले गए, पाकिस्तान की अदालत या पाकिस्तानी इंसाफ से तो जनरल मुशर्रफ बच गया, मगर ये बात है कि अल्लाह के इंसाफ से वो नहीं बच सकेगा और आज अल्लाह के अदालत के खड़ा और इंशाल्लाह वो सजा भुगतेगा। आज जो मफलूज पार्लियामेंट है जिस पार्लियामेंट में कोई कानून साजी नहीं हो रहा है ये उस पॉलिसीज का तसलसल है। पस पर्दा जो डिक्टेटर इस मुल्क में बैठा है वो परवेज मुशर्रफ और उसके साम्राज्य आकाओं का पॉलिसीज को आगे ले जा रहा है। बलूचिस्तान में जो खून रेजी है, मिसिंग पर्सन है, बदतरीन करप्शन है, अफरा तफरी है, माली बेजाबतियां हैं, ये तमाम परवेज मुशर्रफ और डिक्टेटर्स के पॉलिसी हैं। यहाँ बलूचिस्तान के लोगों को वो गुरबत बेरोजगारी के चक्की में पीस के फिर उनको अपना टाउट बनाना चाहते हैं। तो मैं परवेज मुशर्रफ के को पाकिस्तानी अदालत के फैसले के खिलाफ जो रियासती इदारे उनको बचाने वाले उनका मैं मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने रियासती प्रोटोकॉल दिया इस शख्स को जो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब था उनके खिलाफ आज का पार्लियामेंट अगर मफलूज नहीं है
उन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करे और उन पे भी आर्टिकल 6 लगे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ उसका बाकायदा तौर पे अदालत से मुर्तकिब करार दिया जा चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैगुमा जैसे बलूचिस्तानी राशून सियासी राशून कानून सान हाजी लश्करी साहब जो इससे मैगुमा गपुतरान कने गुता मरुची के मैके में प्रोग्राम गुता परवेज मुशरफ और बलूचिस्तानी जो है हिस्ट्री आइए सरमा गपुतरान गुते मारा जुता जुताई जो इससे मेहमाना ना ज्वाइन को अमानुल लखनरानी साहबा और नवाबसादा जमील बुख्ती साहब हमारा ज्वाइन को जैसे और रिशियाबाद हाजी लश्करी रईसानी साहब हमारा ज्वाइन को मगिंदी के जो के बलूचिस्तान सोल्जर्स राधे अगबुतगा क्या माँ के अवदा मार्च है एक हमला ही कनक बुता आइए बाद में गिंदी के सूरत हाल बलोचिस्तान जो ख़राब बुता ये बात दोबारा जैसे आ शर्रिय नहीं मगर नशोतान चूँकि मैं ट्विटर गिंदी और गिंदी एक बहस ही छड़े था कि जो कि एक पेशावर हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस वकार सेठ बुता ये जो एक फैसला ही सुनाई था बुता परवेज मुशर्रफ सजाए मौत है आइए बात सैर उच डी चौक आइए जैसे लाश लटकी नगे पाओ देगे जैसे आइए एक फैसला ही दाता बुता चीखे एक आर्टिकल जो शश है आइन है आइए आइन शिकनी है सजा में बुता नू मगिंदी के आई जब आई वीरान बुता ये बात एक बहस ही चढ़े था कि ए पी एम के एक मरहूम जो था ये सर चुशी कोई बरकनग मबी थे और दूमी निमगा मगेंदी के मरदम गुशे कि अगर आइन शिकनी कसी कंती और आई है जैसे सजा आयन नरसी और आओ के वाहदा जैसे आइन शिकनी अमी पी एम देमा भरजा दारक भी और आइए छे हौसला अफजाई रसी थी बलोचिस्तान की जो सूरत आल था ये सर अभी मगा पुतरान करें ऐदा नुमाना में वाहदा हलास होता वना मोमल सैन बाजाजत भी थी अल्लाह में आ रहा।